हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 14.96 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसको हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो जैसे यहाँ पर नंबर दे रखा है 35893, ठीक है। इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है पहले डिजिट के बाद आएगा। जैसे 3 है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर, इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। और जितने डिजिट हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद इंटू 10 टू दी पावर 4, जितने डिजिट हैं उतनी हम 10 की पावर लिख देंगे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगला देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है 7 के बाद, तो 7.53। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए, अगर डेसिमल में अगर हमें नंबर दे रखा हो और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, ये जो डेसिमल है हमारा सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक पहुंचेगा। जैसे इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, 3.45 हो जाएगा इंटू 10 की पावर हो जाएगा -3, क्योंकि डेसिमल में है, ठीक है। तो और 3 के बाद पॉइंट लगाया है तो इससे पहले कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले एक तो 3 है, फिर 2 0 है, ठीक है, तो -3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 0.000000001297 है, तो पॉइंट हमारे यहाँ 1 के बाद आएगा। तो 1 से पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो डेसिमल लगाने के बाद हम 10 की पावर -7 लिख देंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14.96 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसमें अगर मैं कॉमन लूँ तो 10 की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 14.96 इंटू 10 की पावर 2 बचा माइनस 3.84 और हमने कॉमन ले लिया 10 की पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 की पावर 2 जो है 100 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1496 आएगा, ठीक है, माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1496.00, अगला है 3.84, 10 में से 4 गए 6, 9 में से गए 1 और 5 में से 3 गए 2, 9 4 1, तो ये होगा हमारा 1492.16 इंटू 10 की पावर 8। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल है हमारा एक डिजिट के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डेसिमल है अगर इसको हम यहाँ लाएंगे तो इसके पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3 है, ठीक है, तो 1.4 1.49216, पॉइंट से पहले कितने डिजिट एक्स्ट्रा है, 1 2 3 है, तो इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। और जो 10 की पावर 8 दे रखा हो तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 1.49216 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और इसका आंसर आप ऑप्शन देख के भी निकाल सकते थे। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा, तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर दिस इज एक्सप्रेस एज k इंटू 10 टू द पावर n द वैल्यू ऑफ k+n। हमें जो नंबर दे रखा है 8 2 9 0 3 0 0 0 0, इसको हमें k इंटू 10 की पावर n इसमें एक्सप्रेस करना है और लास्ट में हमें k+n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल हमारा एक डिजिट के बाद लगेगा, मतलब कि डेसिमल लगेगा हमारे यहाँ 8 के बाद लगेगा, ठीक है, यहाँ हमारा डेसिमल लगेगा। तो 8.2903, ठीक है, डेसिमल के बाद जो जीरोज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी। अब डेसिमल हमने यहाँ लगाया तो कितने डिजिट थे इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने थे, 8। ये हो गया हमारा k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में। तो k की वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास, ये हमारी k की वैल्यू हो गई, और ये जो 8 है वो हमारी n की वैल्यू हो गई। हमें दोनों का सम निकालना है, k प्लस n निकालना है। तो 8.2903 प्लस 8 इनको ऐड करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम रहेंगे, 8 और 8 16 हो जाएंगे, 16.2903। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर बोला गया है गौरव के खाते में 7 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 इतने रुपए हैं और उसके भाई के खाते में इतने हैं। यदि दोनों के खातों की कुल राशि को मानक रूप m इंटू 10 की पावर n में लिखा जाता है तो m प्लस n का वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला किया है, लेकिन यहाँ बोला है गौरव के अकाउंट में 7 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 इतना अमाउंट है और उसके भाई के अकाउंट में 2 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 3 इतना अमाउंट है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 49 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 7 जो हमारा होता है 128, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3। अब इसके 10 की पावर 4 का मतलब है यहाँ 4940 आ जाएंगे और यहाँ 128 के बाद 30 आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 490000, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 128,000। तो ऐड करेंगे 000816, ये आ गया 618,000, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हमारे पास यहाँ 6 के बाद आएगा, ठीक है। तो 6.18 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो पावर 5 हो गया, ठीक है। इसको अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है m इंटू 10 की पावर n से कंपेयर करेंगे। तो m की वैल्यू हो गई हमारे पास 6.18, n की वैल्यू हो गई 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 11.18, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, हमें यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में, और k प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है डेसिमल में दे रखा है 0.00001278। तो ये जो पॉइंट है हमारा 1 के बाद यहाँ आएगा, ठीक है, 1 के बाद आएगा। तो इससे पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 5 है। तो 1.278 इंटू 10 की पावर जो है 1 2 3 4 5 मतलब कि माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे k इंटू 10 की पावर n से। तो k की वैल्यू होगी हमारे पास 1.278 और n की वैल्यू होगी माइनस का 5। हमें निकालना है k प्लस n, तो 1.278 प्लस कर देंगे माइनस का 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से ये माइनस करेंगे तो 5.0001.278, तो ये हो जाएगा 2 1 और 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो ये आएगा हमारा माइनस का 3.722। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10 की पावर 4 एंड 12.5 इंटू 10 की पावर -6। इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में, और हमें 2k प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो 1.7 इंटू 10 की पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करना है 12.5 इंटू 10 की पावर -6 से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नंबर हैं 1.7 और 12.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12.5 को 1.7 से करेंगे, 7 पंजे 35, 14 और 3 17, 7 और 1 8, 5 2 1, 5 2 1 2, पॉइंट आएगा 2 के बाद, ठीक है। तो 21.25 आ गया इंटू, अब देखिए 10 की पावर 4 है और 10 की पावर -6 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 21.25 इंटू 10 की पावर होगी 4 -6, 21.25 इंटू 10⁻²। अब देखिए डेसिमल हमारे पास है 21 के बाद, ठीक है, तो डेसिमल को हमें लाना है 2 के बाद, मतलब इस वाले प्लेस पे लाना है, और 1 नंबर इसके बाद है, तो 2.125 इंटू, अब डेसिमल हम ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में रहेगी, और राइट हैंड साइड लाते हैं तो नेगेटिव में होती है, तो 10 की पावर हो जाएगी 1, क्योंकि एक डिजिट है इसके बीच में, ठीक है, और यहाँ पर है इंटू 10⁻-2। 2.125 इंटू 10 की पावर क्या है 1 है, और माइनस बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 10 की पावर हो जाएगी 1 - 2 - 1। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन k + 10⁻n से कंपेयर करेंगे, तो k तो आ गया हमारा 2.125 और n हो गया हमारा -1। हमें बोला है 2k, तो 2 इंटू 2.125 प्लस n, n हमारा -1 है तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.250 -1 करेंगे 3.25, इसका करेक्ट आंसर होगा 3.25, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर जो हमें दे रखा है 0.00, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, तो 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 1 2 3। अब डेसिमल को हम ला रहे हैं राइट हैंड साइड, तो जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी, और कितना आएगी देखिए, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 के बाद आएगा तो 1.23 इंटू 10 की पावर हो जाएगी -10, ये हो गया, तो ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर 3, 1.23 इंटू 10⁻-10। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CTET पेपर 2 में कई बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।